समाज रामगढ़ ने जैन संत आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की बर्बर हत्या के विरोध में जैन संत एवं श्रावकों को समुचित संरक्षण एवं सुरक्षा दिए जाने की मांग सहित 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री के नाम रामगढ़ SDM को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ बार संघ ने जैन संत की हत्या के विरोध में जैन समाज की मांगों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अलग से ज्ञापन सौंपा। जैन समाज ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 5 जुलाई 2023 रात्रि को चिक्कोड़ी तालुक के हीराखोड़ी गांव जिला बेलगांव कर्नाटक में आचार्य श्री 108 काम कुमार नंदी महाराज के चातुर्मास के दौरान अपराधी किस्म के व्यक्तियों एवं समाज कंटकों के द्वारा अपहरण कर लिया गया। वहीं जब सुबह आचार्य श्री श्रावकों को नहीं मिले तो उन्हें ढूंढने पर उनके पिछे का मंडल आसपास पड़े मिले, जिस पर उन्होंने अनहोनी की आशंका को देखते हुए चिक्कोड़ी पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर सघन तलाशी अभियान के दौरान यह पाया कि आचार्य श्री का अपहरण कर हत्यारों के द्वारा उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिए गए हैं। हिंसक जैन समाज के साधु को हत्यारों के द्वारा मारकर फेंकने की घटना की सकल जैन समाज रामगढ़ घोर निंदा करता है और इस ज्ञापन के माध्यम से आचार्य श्री के हत्यारों को फास्ट ट्रैक में सुनवाई कर सख्त से सख्त सजा, देश भर में जैन संतों के पैदल विहार के समय सुरक्षा, जैन समाज सहित सर्व समाज के वह संत जो आजीवन पैदल विहार करते हैं उनको रात्रि विश्राम के लिए 20-20 किलोमीटर पर सामुदायिक आश्रय स्थल बनाए जाए, देश के प्रत्येक राज्य में जैन ब्राह्मण संस्कृति आयोग का गठन, देश भर के जैन तीर्थों मंदिरों में धर्मशालाओं के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय जैन कल्याण आयोग का गठन की मांग की है। इस मामले में त्वरित कार्यवाही की मांग की, अन्यथा अहिंसक जैन समाज को हत्या के विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में जन आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने से पूर्व जैन समाज के लोगों ने जैन मंदिर पर एकत्रित होकर SDM कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला और SDM कार्यालय पहुंचकर SDM अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रामगढ़ कस्बे का मेन बाजार बंद रखा गया। ज्ञापन देने के दौरान भाजपा के जय आहूजा सहित जैन समाज के सैकड़ों लोग शामिल थे, जिसमें जैन समाज अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद जैन, प्रवक्ता अजीत कुमार जैन, पार्षद रघुवीर प्रसाद जैन, रामगढ़ व्यापार मंडल से फूलचंद खंडेलवाल, महेश साहू, दिनेश चौहान, मोहित जैन, शुभम जैन, नत्थू जैन, शैलेन्द्र जैन, मनोज जैन, महावीर प्रसाद जैन, प्रदीप मित्तल, रामजी लाल जैन, घनश्याम खंडेलवाल, पप्पू खंडेलवाल, सतीश अरोड़ा, गौरव खंडेलवाल, प्रदीप जैन, आलोक जैन, मुकेश जैन, रोहित जैन, मोहित जैन, राकेश जैन, योगेंद्र जैन सहित अनेक जैन समाज व अन्य समाज के व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद थे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन के दौरान सचिव मोहित जैन, राजेश जैन, राजकुमार यादव, राकेश यादव, दिलीप चौधरी, अविनाश कुमार, राकेश यादव, चरणजीत सिंह सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। रामगढ़ जैन समाज ने और व्यापार मंडल और अभिभाषक संघ ने रामगढ़ बंद का आह्वान किया। बंद इसलिए किया गया, कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार नंदी जी महाराज का अपहरण किया गया, बाद में उनकी हत्या की गई और शव के अनेक टुकड़े करके उन्हें बोरवेल में डाल दिया गया। रामगढ़ जैन समाज ने भारत सरकार से और कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया है, शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जैन धर्म अहिंसा में विश्वास करता है और जैन धर्म सबसे अधिक टैक्स देता है और वोटों का राजनीति में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। अहिंसा का अर्थ ये नहीं माना जाए कि हम कमजोर हैं, हम कायर हैं। अहिंसा का अर्थ यही है, हम किसी को नहीं सताते। हमारे साधु भी, हमारे आचार्य भी ये कहते हैं, यदि आपके मुंह पर कोई थप्पड़ मारे आप उसका पत्थर से जवाब दीजिए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं और हम पुनः भारत सरकार से और कर्नाटक सरकार से अनुरोध करते हैं कि शीघ्र ही हत्यारों को पकड़कर उन्हें फांसी की सजा दिलवाई जाए। हमने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री के नाम, माननीय कर्नाटक मुख्यमंत्री सरकार का नाम SDM साहब को दिया और SDM साहब के द्वारा इसको आगे प्रेषित कर दिया जाएगा।